कर्मचारी अपना पासवर्ड अब केवल एम शिक्षा मित्र के माध्यम से रिसेट कर सकते हैं। जैसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल या फिर शिक्षा पोर्टल के माध्यम से भी अपना पासवर्ड रिसेट कर लेते थे, लेकिन अब केवल यह सुविधा एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से ही दी गई है। साथ ही पासवर्ड रिसेट करने की जो लिमिट है इसे भी सेट कर दी गई है। कर्मचारी 7 दिन में केवल एक बार ही अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रिसेट करने के लिए जैसे आप एम शिक्षा मित्र ओपन करते हैं, एरो पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लॉगिन करने का एक ऑप्शन आता है जिसमें फॉरगेट पासवर्ड पर हमें क्लिक करना होता है और नए पेज में हम अपना जो यूनिक आईडी है इसे फिल करते हैं और पोर्टल पर जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इसे फिल करते हैं और रिक्वेस्ट करने पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रिक्वेस्ट करने पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है जिसे हमें सबमिट करना होता है। जब हमने ओटीपी सबमिट कर दिया तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही एसएमएस के माध्यम से हमारा पासवर्ड आ जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जैसे ही हमने रिक्वेस्ट करा, इस ऑप्शन पर क्लिक किया, तो इसमें एक मैसेज शो होता है कि आपके यूजर यूनिक आईडी लिखा रहता है आपका, पर वैध मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। अर्थात आपका जो यूनिक आईडी है, आपकी जो प्रोफाइल है, ई सर्विस बुक है, इसमें वैध मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, ऐसा मैसेज शो हो रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा मैसेज आए तो इसके लिए क्या करना है? जैसे हम देखें तो पहले डीडीओ के लॉगिन से कर्मचारियों के जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाते थे। मोबाइल नंबर अपडेट करने के 2 ऑप्शन इसमें दिए गए थे। पहला था ई सर्विस बुक का। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो कर्मचारी की सामान्य जानकारियां हैं इस पर क्लिक करके आप कर्मचारी का जो मोबाइल नंबर है इसे अपडेट कर देते थे। साथ ही हम देखें तो वर्तमान में जो पेरोल वाला ऑप्शन है इस पर भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि अपडेट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे हम पेरोल पर क्लिक करेंगे तो इसमें डीडीओ ऑफिस का ऑप्शन आता है जिस पर आप देखेंगे कि अपडेट ईमेल, मोबाइल नंबर एंड फोटो एम्प्लॉइज एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कर्मचारी का जो मोबाइल नंबर है इसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन से वर्तमान में डीडीओ के लॉगिन पर मोबाइल नंबर या फिर फोटोग्राफ्स इसमें अपडेट नहीं हो रहे हैं। साथ ही हम देखें तो एजुकेशन पोर्टल पर इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब जो मोबाइल नंबर है वो कहां से अपडेट होगा। जैसे हम रिकवर पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि एक मैसेज शो होता है जो कि पासवर्ड रिसेट करने के संबंध में है, जिसमें बताया गया कि पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट न होने की स्थिति में आप संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोग्रामर और बीआरसी से संपर्क करें। अर्थात यदि मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट नहीं है तब आपको इनसे संपर्क करना है और इनके लॉगिन से ही कर्मचारियों का जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होगा। ऐसे ही हम देखें कि शिक्षा पोर्टल पर भी मैसेज दिया गया है कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तब आपको इनसे संपर्क करना है, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोग्रामर और बीआरसी। तो जो मोबाइल नंबर है केवल अब इनसे ही अपडेट हो पाएगा। ये थी कर्मचारियों के पासवर्ड के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।